हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं द सोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा प्रवासी मजदूरों के लिए जिन्होंने राजस्थान से अंदर या बाहर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, उन्होंने जो गाड़ी चूज में ऑप्शन आ रहा था उसमें उन्होंने किसी ने तो ऑनर टाइप किया था, किसी ने पब्लिक टाइप किया था, तो उसमें से अब आप वहां से ऑप्शन को एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो अगर आपने गलत टाइप कर दिया है तो। और फ्रेंड्स, मैंने प्रवासी मजदूरों के लिए पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो हमारे चैनल पर विजिट करके। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ ई मित्र पोर्टल पर, यहाँ आप देख सकते हो imitr.rajasthan.gov.in, ये ई मित्र की ऑफिशियल मेन वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपडेट दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर स्टेटस चेक का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर एडिट फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए और स्टेटस चेक के लिए वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा है और बहुत ही अच्छा प्यार मिला है। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप फॉर्म को एडिट कैसे करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है ई पास डाउनलोड के लिए, जिनका फॉर्म अप्रूव्ड हो गया है वो लोग अपना ई पास कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ई पास डाउनलोड कैसे करें। तो आप ये वीडियो एक बार जरूर देख लें और एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपना ई पास डाउनलोड कर लें। तो मैं आपको सबसे पहले गाइडलाइन बता देता हूँ कि आप ट्रांसपोर्ट चेंज कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर गाइडलाइन पे क्लिक कर लेते हैं और ये हमारी गाइडलाइन इस प्रकार से डाउनलोड हो गई है। तो आप हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारे को किस प्रकार से चेंज करना है और क्या क्या डिटेल हमारे को चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे को वेबसाइट पर आना है, एडिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर इस प्रकार से गाइडलाइन में बताया गया है। और फिर थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या डिटेल बताई गई है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, क्लिक करने पर प्रवासी पंजीकरण फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के लिए करने के बाद आपको पेंडिंग एडिट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, उसका चयन करें। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके पश्चात ट्रांसपोर्टेशन टाइप में उपलब्ध ऑप्शन ओनर व्हीकल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से एक चयन करना है, यानी उन दोनों में से आपको एक ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आपके पास ओनर व्हीकल है तो आप ओनर चूज कीजिए, अगर आप ओनर व्हीकल टाइप चूज करते हैं तो फोर व्हीलर का चयन या अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर सबमिट करें। अगर आप पब्लिक ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन का चयन करते हैं तो आपको व्हीकल टाइप में बस अथवा ट्रेन का ऑप्शन चूज करना होगा, उसके बाद में आपको सबमिट करना होगा। तो आप इस प्रकार से आप चेक करके इस प्रकार से सबमिट करना है और इससे जो ये पेंडिंग एडिट का ऑप्शन आ रहा है इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसका लिंक कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा बस या ट्रेन का, तो वो आप सेलेक्ट कीजिए, फिर आप सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो उसके बाद में ऐसे आपको ट्रांसपोर्ट डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ये मैंने आपको गाइडलाइन बता दी है और फिर वापस ई मित्र पोर्टल पर जाना है, यहाँ ऊपर आप क्लिक करना है एडिट फॉर्म पे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका लिंक है ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, फिर सबमिट करोगे, फिर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका एडिट का ऑप्शन खुल जाएगा। एडिट का ऑप्शन किसके खुलेगा, आप यहाँ पर देखिए जिन आवेदन का स्टेटस पेंडिंग है उनकी ट्रांसपोर्टेशन डिटेल पेंडिंग या एडिट ट्रांसपोर्टेशन बटन पर क्लिक करें। जिसकी डिटेल अभी पेंडिंग है वही इस डिटेल को एडिट कर पाएगा, जो अप्रूव्ड या रिजेक्ट हुआ है वो एडिट नहीं कर पाएगा। अगर फ्रेंड आपके और भी कोई भी मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबाएं।